Swayam Prabha Digital India Educated India नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नरेश महिपाल है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि संकाय से सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आज हम बीमा विधि में बीमा की प्रकृति और कार्य पे बात करेंगे ये मेरा पहला व्याख्यान होगा बीमा विधि में बीमा की प्रकृति उसके कार्य उसका अर्थ बीमा होता क्या है आज हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे कोई भी निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भविष्य क्या लेकर आएगा बीमारी दुर्घटनाएं और यहाँ तक कि मृत्यु जैसी आपातकालीन स्थितियाँ भी दरवाजों पर दस्तक नहीं देती इसके बजाय वे तेज़ी से और बिना किसी चेतावनी के हमला करते हैं इस स्थिति में बीमा करवाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि या इनमें से कोई भी प्रतिकूल घटना हो उस स्थिति में आपको और आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बहुत ही आवश्यक हमारे जीवन का अंग बन चुका है बीमा क्योंकि विभिन्न प्रकार के आकस्मिक घटनाएं हमारे साथ घट गट, घटित तो हो सकती हैं हमारे हमारे परिवार में उस समय पर बीमा का महत्व हमें समझ में आता है बीमा एक बहुत ही सरल धारणा है यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में आप उसे बदलने का जोखिम नहीं उठा सकते तो आपको बीमा अवश्य खरीदना चाहिए बीमा खरीदने से आपको यह आश्वासन मिलता है कि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में बीमा प्रदाता इंश्योरर आपकी जेब पर असर डाले बिना आपके नुकसान को कम कर देगा तो आज हम एक एक करके इन सारे चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि बीमा का अर्थ क्या है वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस बीमा की प्रकृति क्या है नेचर ऑफ इंश्योरेंस बीमा के कार्य क्या हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है तो सबसे पहले हम बीमा के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि वॉट इट मींस यह सर्वमान्य है कि जो भी निर्मित हुआ है वह नष्ट भी होगा हम सभी अपने दैनिक जीवन में अनगिनत जोखिमों की आशा करते हैं जोखिम का हानि से गहरा संबंध है प्रत्येक जोखिम के परिणाम स्वरूप किसी ना किसी प्रकार की हानि होती है चाहे वो समुद्री हो चाहे वो किसी बीमारी के कारण हो चाहे मृत्यु से या किसी आग के लग जाने से किसी प्रकार भी खतरों से जो हानि होती है उसका आपके जोखिम से गहरा संबंध होता है जोखिम को ख़त्म नहीं किया जा सकता परंतु हानि को कम किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित हानि से बचाने के लिए यह इच्छा ही बीमा व्यवसाय को अस्तित्व में लाता है बीमा उन विभिन्न जोखिमों से बीमा धारक की रक्षा करता है जिनकी वह आशंका रखता है नुकसान को उन व्यक्तियों तक फैलाकर जो सामान्य निधि जो एक जनरल कॉर्पस क्रिएट किया जाता है उसमें योगदान करके नुकसान के समय एक दूसरे को सहयोग करने के लिए सहमत हुए थे जब उनमें से कोई भी जोखिम के संपर्क में आता है तो ऐसे नुकसान की भरपाई सामान्य निधि से की जाती है वास्तव में बीमा एक ऐसी प्रणाली है जहां नुकसान को योगदानकर्ताओं द्वारा प्रीमियम के भुगतान द्वारा साझा किया जाता है जिसकी गणना नुकसान की संभावना पर ही की जाती है इंश्योरेंस क्या है बीमा क्या है हम कह सकते हैं कि बीमा एक आश्वासन है कि यदि कोई विशेष प्रकार की घटना घटती है तो बीमित व्यक्ति को पैसे का भुगतान किया जाएगा जो इस तरह के जोखिम के खिलाफ ऐसी सुरक्षा चाहता है उसे बीमा धारक या बीमित या इंश्योर्ड कहा जाता है और जो ऐसे व्यक्ति को वित्तीय हानि से या किसी अनहोनी से बचाने का कार्य करता है उसे बीमा करता या आश्वासनकर्ता या हामीदार या इंश्योरर कहा जा सकता है और ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा करता द्वारा एकत्रित किए गए प्रतिफल दैट इज कंसिडरेशन अमाउंट को प्रीमियम या प्रीमिया कहा जाता है अनुबंध के नियम शर्तों वाले दस्तावेज को पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ हानि को प्रीमियम के भुगतान द्वारा योगदानकर्ताओं द्वारा साझा किया जाता है जिसकी गणना हानि की संभावना पर की जाती है बीमा का मूल कार्य सामान्य निधियों में प्रीमियम के योगदान से होने वाले नुकसान को इच्छुक सक्षम और सहमति देने वाले पेशेवर या पेशेवरों के कंधे पर डाल दिया जाता है यानी कि सरल शब्दों में जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स होते हैं कलेक्टिवली उनका बोझ जो है वो आप इंश्योरेंस कंपनी के कंधों पर डाल देते हैं दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को वित्तीय हानि का जोखिम दूसरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है एक उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं एक कस्बे में 500 कार मालिक हैं प्रत्येक कार का मूल्य मान लीजिए तीन लाख रुपए है हर साल एक कार चोरी के कारण खो जाती है यदि सभी 500 कार मालिक एक साथ आने के लिए सहमत हो जाएं और प्रत्येक व्यक्ति छ सौ सालाना का योगदान दे आम फंड तीन लाख रुपये प्रति वर्ष होगा इस स्थिति में यह रुपए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगा उस व्यक्ति को जिसकी कार खो गई है उस योगदानकर्ता को तीन लाख रुपये दिए जाएंगे जिसकी कार चोरी हो चुकी है इस प्रकार एक योगदानकर्ता का जोखिम शहर के 500 योगदानकर्ताओं के बीच वितरित किया जाता है इस तरह से हम इंश्योरेंस को समझ सकते हैं तो प्रोक्त चर्चा से यह स्थापित किया जा सकता है कि बीमा धारक वह व्यक्ति जो पॉलिसी खरीदता है और बीमाकर्ता जो कंपनी आपको पॉलिसी प्रदान करती है बीमा प्रदान करती है के बीच एक कानूनी अनुबंध मौजूद है जिसके तहत बीमा धारक को असाम्यिक मृत्यु दुर्घटना कार या घर आदि की क्षति होने में एक पूर्व निर्धारित धनराशि भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं इसे हम बीमा कहते हैं और बीमा का यही मतलब है कि एक कानूनी अनुबंध के तहत बीमाकर्ता और बीमा धारक वो दोनों एक कानून के तहत एक अनुबंध में बंधे हुए होते हैं और आपात स्थिति में जब भी कोई हानि होती है उस समय बीमाकर्ता कंपनी बीमा धारक को इंश्योरेंस के तहत भुगतान करती है एक निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता है अब हम कुछ परिभाषाओं के तहत बीमा को और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि बीमा दरअसल है क्या बीमा की परिभाषा को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है पहली कार्यात्मक परिभाषाएं दैट इज़ फंक्शनल डेफिनेशंस दूसरी संविदात्मक परिभाषाएं दैट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशंस सबसे पहले हम कार्यात्मक परिभाषाओं के बारे में जानते हैं कि वे क्या होती हैं कार्यात्मक परिभाषाएं आर्थिक या व्यावसायिक अभिविन्यास पर आधारित हैं क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण है जो जोखिम या दुर्भाग्य के खिलाफ वित्तीय मुआवजा प्रदान करता है एल एन सी के अनुसार बीमा किसी बीमा धारक को आर्थिक हानि के कुछ जोखिमों को स्थानांतरित करने के लिए एक उपकरण है जिसे अन्यथा बीमा धारक द्वारा वहन किया जाएगा डिस्नाइल के अनुसार बीमा कुछ लोगों की हानि को अनेक लोगों में बांटने का एक साधन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार बीमा को एक सामाजिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत व्यक्तियों का एक बड़ा समूह समान योगदान प्रणाली के माध्यम से समूह के सभी सदस्यों के लिए सामान्य आर्थिक हानि के मापनीय जोखिम को कम या समाप्त कर सकता है घोष और अग्रवाल के अनुसार बीमा एक निश्चित जोखिम को इसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के समूह पर वितरित करने का एक सहकारी रूप है एक मीडियम है बीमा जिसके थ्रू लोगों का जो उनके पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उन लोगों का जोखिम है वो सभी के बीच में वितरित किया जा सकता है थॉमस के अनुसार एक प्रावधान जो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति आकस्मिक या अपरिहार्य आकस्मिकताओं के कारण या हानि या दुर्घटनाओं के विरुद्ध करता है मैगी डीएच के अनुसार बीमा को एक ऐसी योजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा बड़ी संख्या में लोग स्वयं को सभी व्यक्तियों से जुड़े जोखिमों के साथ जोड़ते हैं डी एस हेंसल के अनुसार जिन्होंने बहुत ही व्याख्या की है इस डेफिनेशन की डी एस हेंसल के अनुसार बीमा को दुर्भाग्य के प्रभावों के लिए वित्तीय मुआवजा प्रदान करने वाले एक सामाजिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है भुगतान योजना में भाग लेने वाले सभी पक्षों के संचित योगदान से किया जा सकता है तो सभी जो पक्ष हैं सभी जो विद्वान हुए हैं उनका एक चीज़ पर बड़ा स्पष्ट मत है कि जो भी भुगतान किया जाएगा वो पॉलिसी में भाग लेने वाले लोगों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है जो प्रीमियम उन्होंने डिपॉजिट किया है उसके द्वारा नुकसान की भरपाई की जा सकती है रिगेल और मिलर के अनुसार बीमा एक सामाजिक उपकरण है इट इज़ ए सोशल इंस्ट्रूमेंट जहां व्यक्तियों के अनिश्चित जोखिमों को एक समूह में जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार फंड प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा अधिक निश्चित छोटे आवधिक योगदान किए जा सकते हैं जिसमें से जिन लोगों को नुकसान होगा उसको प्रतिपूर्ति की जाएगी उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा इस प्रकार विभिन्न कार्यात्मक परिभाषाओं को समझने के बाद उनके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीमा एक सहकारी उपकरण है बीमा कुछ की हानि को अनेक योगदानकर्ताओं की ओर स्थानांतरित करता है बीमा एकत्रित एक शुल्क जिसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं यह समूह के सदस्यों को वित्तीय हानि को कम करने या समाप्त करने की एक टेक्निक है एक विधि है तो इस प्रकार हम फंक्शनल डेफिनेशंस के थ्रू बीमा की परिभाषाओं को समझ सकते हैं बीमा की परिभाषाओं को संविदात्मक परिभाषाओं से भी समझा जा सकता है कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशंस के थ्रू उसको समझा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें बीमा जो पॉलिसीज होती हैं उनका क्या स्थान रहता है संविधात्मक परिभाषाओं के भविष्य में कुछ आकस्मित के घटित होने पर होने वाले नुकसान को क्षतिपूर्ति के लिए एक अनुबंध के रूप में माना जाता है इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट यह जोखिमों से सुरक्षा के लिए एक संविदात्मक संबंध है यह एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है ऐसी कुछ संविदात्मक परिभाषाएं जिनके बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं पहली हमें जस्टिस टिंडल के बारे में समझना होगा जस्टिस टिंडल के अनुसार बीमा एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता द्वारा किसी आकस्मिकता पर बड़ी राशि का भुगतान करने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए बीमित व्यक्ति को एक धनराशि का भुगतान किया जाता है ई डब्ल्यू पैटरसन के अनुसार बीमा एक अनुबंध है इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा एक पक्ष प्रीमियम नामक विचार के लिए दूसरे पक्ष का एक विशेष जोखिम लेता है यानी कि ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम इंश्योरर बीयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड और उसे या उसके नामांकित व्यक्ति इंश्योर्ड या उसके नॉमिनी को एक निर्दिष्ट आकस्मिकता पर एक निश्चित या सुनिश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करता है तो एक कॉन्सिड्रेशन के पेमेंट पर जो पॉलिसी होल्डर है उसको एश्योरेंस मिलता है पॉलिसी प्रोवाइडर के थ्रू कि एक घटना होने पर जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में लिखी हुई है अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो एक निश्चित राशि जो उस अनुबंध में मेंशन की गई है उसे या उसके नामित व्यक्ति जो नॉमिनी है उसको वो प्रदान की जाएगी मैकलिन के अनुसार बीमा एक संभावित वित्तीय हानि को बड़ी संख्या में व्यक्तियों तक फैलाने की एक विधि है जो इतनी गंभीर है कि किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से वहन नहीं किया जा सकता क्योंकि हम सब जानते हैं कि नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं जब हम इस समाज में रहते हैं तो एक व्यक्ति उसको सहन करने की स्थिति में नहीं होता तो कम पैसों के बदले में हम अपनी ज्यादा से ज्यादा रिस्क को कवरेज करवाते हैं और उस सारे प्रीमियम के बदले में वो जो वित्तीय हानि होती है उस सभी पॉलिसी होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर दी जाती है और इस तरह से हमें कम आर्थिक हानि उठानी पड़ती है जबकि जितनी हानि हमें हुई है उसके सुनिश्चितता में एक राशि हमें मिल जाती है लॉरेंस जे ने लुसेना बनाम क्राफोर्ड में कहा कि बीमा एक अनुबंध है जिसके द्वारा जोखिम के लिए पर्याप्त कीमत जिसे प्रीमियम कहा जा सकता है का भुगतान करने पर एक पक्ष दूसरे के लिए सुरक्षा बन जाता है कि उसे नुकसान नहीं होगा और अगर भविष्य में कुछ नुकसान घटित होता है कुछ निर्दिष्ट खतरों के घटित होने पर क्षति या पूर्वाग्रह जो उनके सामने आ सकते हैं वह व्यक्ति उस नुकसान को वहन करेगा दूसरे शब्दों में बीमा को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक पक्ष जो कि बीमा करता है जो कि इंश्योरर है जिसे कि हम इंश्योरेंस कंपनीज या अंडर राइटर्स भी कह सकते हैं एक प्रतिफल जिसे हम कंसिडरेशन अमाउंट जिसे हम प्रीमियम या प्रीमिया कह सकते हैं के लिए दूसरे पक्ष जो कि इंश्योर्ड होंगे बीमा धारक होंगे को एक विशेष जोखिम ले लेता है और दूसरे पक्ष या उसके भुगतान करने का वादा करता है लाभार्थी निर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने पर एक निश्चित या निश्चित राशि जिसके लिए बीमा मांगा जाता है तो यह एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें बीमा करता बीमा धारक का जो भी जोखिम है उसको ग्रहण कर लेता है और किसी आकस्मिकता के घटने पर एक निश्चित राशि उनको प्रदान की जाती है तो इस तरीके से इन कुछ फंक्शनल और कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन के थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं कि बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों लाइबल्स हैं कुछ लाइबिलिटीज उनकी बनाई गई हैं क्योंकि वे कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधे हुए हैं एक प्रीमियम अमाउंट को देने के बाद वे लोग एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बन जाते हैं और कुछ निश्चित घटना होने पर एक निश्चित अमाउंट इंश्योर्ड को मिलती है इसे बीमा कहा जा सकता है अब हम बीमा की प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बीमा की प्रकृति क्या है वॉट इज द नेचर ऑफ द इंश्योरेंस पिछली चर्चा के आधार पर हम बीमा की प्रकृति इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं पहली जोखिम साझा करना और उसका स्थानांतरण बीमा व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जोखिमों से बचाता है जो किसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर उस पर या उसके परिवार पर पड़ सकते हैं इस घटना में बीमा धारक को किसी प्रकार की वित्तीय हानि शामिल होती है या जोखिम होता है तो उस समय पर कम से कम जोखिम नामक किसी प्रतिकूल घटना से अवगत होना चाहिए तो बीमा के द्वारा जोखिम को साझा किया जाता है इंश्योर्ड की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इंश्योरर ग्रहण कर लेता है किसी प्रकार की आकस्मिकता पर किसी प्रकार की दुर्घटना पर जो कि उनके बीच में अनुबंध हुआ हुआ है उसको वो ग्रहण करता है और जो सुनिश्चित अमाउंट है वो उसको प्रदान की जाती है बीमा की मूल प्रकृति बीमा धारक को मृत्यु या विकलांगता क्षति गिरावट विनाश या संपत्ति के नुकसान के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को समान जोखिमों के संपर्क में आने वाली बहुतायत से स्थानांतरित करके प्रतिपूर्ति करना है तो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हो सकती हैं, उस सिचुएशन में इंश्योर्ड को इंश्योरर मुआवजा प्रदान करता है जो दूसरी प्रकृति अगर हम बीमा की बात करें तो यह एक सहकारी तंत्र है बीमा एक सामाजिक तंत्र है एक सोशल इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत समान जोखिमों का सामना करने वाले लोग समान योगदान की प्रणाली के माध्यम से एक साथ आते हैं आम निधि में सहमत करके योगदान करते हैं तो विभिन्न व्यक्ति समान पैसा देके समान जोखिम के तहत एक समान रूप की पॉलिसी के तहत आते हैं और इस प्रकार एक समान निधि में एक आम निधि में जिसे हम कंसिडरेशन पस कह सकते हैं उसमें वो अपने उस पैसे को जमा करवाते हैं दूसरे शब्दों में बीमा योगदानकर्ताओं को होने वाले कुछ जोखिमों या मापने योग्य आर्थिक नुकसान को स्थानांतरित करने का एक उपकरण है जो अन्यथा अकेले योगदानकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि बीमा एक सामाजिक तंत्र है एक सोशल टूल है जो सोसाइटी में डिवाइड किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वरना आकस्मिक स्थिति में एक व्यक्ति सहन करता अपने नुकसान को अब वह एक टूल के द्वारा बीमा के द्वारा समाज के अंदर में वितरित किया जाता है समान विचारधारा के लोग समान पॉलिसी में समान पैसा भर के समान रिस्क उठाते हुए अपने आप को एक कॉमन पैसा कॉमन पुलिंग के द्वारा एक पैसा जमा करवाते हैं और दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा धारक को वह पैसा प्रदान किया जाता है तीसरी बात अगर हम बीमा के प्रकृति की करें नेचर की करें तो तीसरी प्रकृति है जोखिम का मूल्यांकन करना जोखिम का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब शेयर की राशि जिसे प्रीमियम या प्रतिफल कहा जाता है वसूल कर व्यक्ति का बीमा किया जाता है जोखिमों का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है यदि अधिक हानि होने की आशंका हो तो अधिक प्रीमियम लिया जा सकता है संभाव्यता सिद्धांत प्रोबेबिलिटी थ्योरी का उपयोग जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में कि क्या प्रोबेबिलिटीज हैं उम्र को देखते हुए व्यवसाय को देखते हुए उसके निवास स्थान को देखते हुए उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसकी जिम्मेदारियों को देखते हुए उसके उसकी नेचर ऑफ वर्किंग को देखते हुए ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि आप कितने जोखिम में रहते हैं और उससे घटाया बढ़ाया जा सकता है तो इस थ्योरी का उपयोग मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है या हम कह सकते हैं कि हानि की संभावना की गणना बीमा के समय या उससे पहले की जाती है तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं उन फैक्टर्स पे उन वेरिएबल्स को देखते हुए जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है आगे अगर हम बीमा की प्रकृति की बात करें तो चौथी प्रकृति हो सकती है निश्चित आकस्मिता सर्टेन कंटिजेंसी निश्चित आकस्मिकता पर किया गया भुगतान जीवन बीमा के अनुबंध में भुगतान निश्चित है क्योंकि आकस्मिकता मृत्यु निश्चित रूप से होगी यदि वह पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है तो उसे बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पेमेंट या भुगतान किया जाएगा यह जो बात मैंने आपसे कही यह जीवन बीमा के ऊपर लागू होती है कि मृत्यु निश्चित है तो एक निश्चित अमाउंट के लिए हम यहां पर सारे इकट्ठे योगदान करते हैं अन्य प्रकार के बीमा अनुबंधों जैसे कि जनरल इंश्योरेंस हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल समुद्री मैरिन अग्नि फायर चोरी थैफ्ट आदि में आकस्मिकता घटित हो भी सकती है और नहीं भी इसलिए घटना की अनिश्चितता के कारण भुगतान निश्चित नहीं है अगर वह घटना घटित होगी तब आपको भुगतान किया जाएगा अन्यथा नहीं किया जाएगा इसलिए कह सकते हैं कि यदि आकस्मिकता उत्पन्न होती है तो भुगतान जारी कर दिया जाता है अन्यथा बीमा धारक को कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो सर्टेन कंटिजेंसी निश्चित आकस्मिकता बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमा में पांचवी बीमा की जो प्रकृति है जो इंश्योरेंस है वह है भुगतान की राशि बेरसफोर्ट बनाम रॉयल इंश्योरेंस 1938 में माना गया था कि बीमा का एक अनुबंध बीमाकर्ता द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि एक निश्चित या सुनिश्चित आकस्मिकता की घटना पर बीमा धारक व्यक्ति को एक राशि का भुगतान किया जाएगा दूसरे शब्दों में बीमा धारक को यह आश्वासन मिलता है कि पैसे के भुगतान से उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी ये वो एश्योर्ड अमाउंट है जब हम पॉलिसी लेते हैं उस समय पर हमें एश्योर किया जाता है कि इस प्रकार की कोई घटना जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है अगर घटित होती है तो आपके या आपके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को जो नॉमिनी होगा उसको वह प्रदान की जाएगी जीवन बीमा के अनुबंध में अगर हम बात करें तो बीमाकर्ता बीमा धारक को एक निश्चित घटना घटित होने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करता है वह निश्चित घटना है मृत्यु कि मृत्यु होने पर आपको आपके परिवार के सदस्यों को वह निश्चित राशि प्रदान की जाएगी क्योंकि जीवन बीमा का उद्देश्य बीमा धारक को हुई वित्तीय हानि की भरपाई करना नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अन्य घटना घटित नहीं हुई है वहाँ पर मृत्यु हुई है अगर आप मृत्यु से सरवाइव कर जाते हैं तो जो भी पॉलिसी का पैसा होगा कॉन्ट्रैक्ट का होगा वह आपको मिलेगा आपकी मृत्यु की स्थिति में आपके जो जो आपके नॉमिनीज़ होंगे जो भी आपके जिनका आपने नाम नॉमिनेट किया हुआ है उनको राशि प्रदान की जाएगी जीवन बीमा अनुबंध में आश्रितों के लिए के लिए हानि की घटना या राशि को साबित करना महत्वपूर्ण नहीं है बीमाकर्ता किसी आकस्मित घटना यानी मृत्यु पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करता है तो जीवन बीमा का जो इंश्योरेंस है जो बीमा है वह कुछ कारणों से सामान्य बीमा से जनरल इंश्योरेंस से डिफरेंट हो सकता है जबकि संपत्ति या सामान्य बीमा में घटना के घटित होने पर होने वाले नुकसान की मात्रा को बीमा धारक को साबित करना होता है और बीमाकर्ता उसके नुकसान की भरपाई करता है तो जीवन बीमा में आपको कुछ भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ मृत्यु के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे नॉमिनीज़ को उस सिचुएशन में आपको बीमा की जो भी निश्चित राशि है प्रदान कर दी जाएगी या आप मृत्यु से सरवाइव करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान तो जो भी आपका पैसा होगा वो आपको वापस भुगतान के रूप में किया जाएगा लेकिन सामान्य बीमा में आपको नुकसान हानि को प्रूव करना होगा जब आप वो प्रूव करेंगे तो जितना नुकसान आपका हुआ है उस अनुपात में आपको वो पैसा उसकी भरपाई की जाएगी छठा जो बीमा का प्रकृति है वह है बड़ी संख्या में बीमाकृत व्यक्ति हालांकि कम संख्या में व्यक्तियों का बीमा किया जा सकता है प्रत्येक सदस्य के लिए बीमा की लागत अधिक हो सकती है यह हम सभी को ज्ञात है कि अगर कम लोग होंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है यह आम जनता के बीच अप्राप्य हो सकता है कम लोकप्रिय हो सकता है लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसलिए सभी जेबों के लिए बीमा को सस्ता बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का बीमा आवश्यक हो जाता है या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मिलाकर और बीमा किया जाता है पॉलिसी को इस तरीके से बनाए जाते हैं कि प्रीमियम अमाउंट भी कम रहे और लोगों को वो लुभाए दूसरे शब्दों में बीमा की लागत जितनी कम होगी प्रीमियम उतना ही कम होगा प्रीमियम कम अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उसमें जुड़ेंगे बड़ी संख्या में व्यक्ति बीमाकृत होंगे और उसका लाभ सभी को प्राप्त हो सकता है सातवां जो बीमा की प्रकृति है हम डिस्कस कर सकते हैं कि बीमा के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट यह भी बीमा भी की एक नेचर है चूंकि बीमा समाज शास्त्रीय उद्देश्य को पूरा करता है सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है इसलिए यह इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने में भी मदद करता है इस तरह से हम एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसीधारियों को से प्रीमियम एकत्रित किया जाता है और संगठित क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है इसके अलावा वे बड़े औद्योगिक घराने इंडस्ट्रियल हाउसेस को सीधे या प्रतिभूतियों को हामीदारी देकर वित्त पोषित करते हैं और पूंजी निर्माण जुटाते हैं आपके द्वारा जो पैसा दिया जाता है बीमा कंपनियों को बीमा कंपनी उन पैसों को बड़े पूंजीपति घरानों को बड़े इंडस्ट्रियस्ट हाउसेस को कंपनीज को इक्विटीज पर या ब्याज पर इस तरह से पैसों को देते हैं और इस तरह से वे जो बड़े पूंजीपति भी घराने हैं बड़े इंडस्ट्रीज हाउसेज हैं वे पूंजी को इकट्ठा करते हैं दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बीमा व्यवसायिक समृद्धि में मदद करता है क्योंकि इंडस्ट्रीज को इससे पैसा मिलता है तो इंडस्ट्रीज फ्लरिश होती हैं तो इस तरीके से यह व्यवसाय में मदद करता है संसाधन जुटाता है विकास को तेज और स्थिर करता है और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद करता है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बीमा कंपनियों का बीमा द्वारा जो संकलित पैसा है जो आपने अनुदान दिया है जो प्रीमियम आपने दिया है वह एक साइकिल के रूप में काम करता है आप कंपनीज को पैसा देते हैं अपने आप को इंश्योर्ड करने के लिए अपने जोखिम को वहाँ पर बांटने के लिए और कंपनीज़ उस पैसा को इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को देती हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस को इस तरीके से पैसा मिलता है उन्हें मदद मिलती है पैसा जुटाने में और वे विकास करते हैं और जब कंपनीज़ का विकास होता है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर हम देश का विकास करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि बीमा की प्रकृति जो है इट इज़ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का सिद्धांत है आठवीं जो बीमा की प्रकृति है वह है कि बीमा कोई दान या जुआ नहीं है बीमा इज नॉट ए चैरिटी और गैम्बलिंग या एक जुआ नहीं है कि आपने पैसा लगाया और उसका आपको आगे यही नहीं पता है कि उसका क्या होगा इसमें पहला सवाल जो किसी के मन में आता है वो ये है कि यदि मृत्यु का समय गैर सट्टा है जिसकी निश्चितता नहीं है कि कब मृत्यु आएगी तो क्या जीवन बीमा पॉलिसी एक जुआ नहीं है हमारे दिमाग में जो उचित उत्तर आया वो यह है कि जीवन से अधिक अनिश्चित कुछ भी नहीं है और जीवन बीमा पॉलिसी अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने का निश्चित तरीका प्रदान करती है आपकी मृत्यु निश्चित नहीं है लेकिन मृत्यु के बाद मिलने वाला जो पैसा है वह निश्चित है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बीमा जो है वो अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करता है इसी तरह संपत्ति मालिकों और उद्योगपतियों पर भी घाटे की अनिश्चितता हमेशा मंडराती रहती है तो उस समय पर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के द्वारा लिया गया पैसा जो है वह उनके बिजनेस में उनके काम में उनके धंधों में उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि बीमा कोई जुआ नहीं है बिल्कुल जुए के विपरीत है जुए में एक व्यक्ति खुद को जोखिम में डालता है हारने का जोखिम रखता है जबकि बीमा में बीमा धारक हमेशा जोखिम का विरोध करता है कहने का तात्पर्य कि बीमा धारक जो है वह हमेशा जोखिम की तरफ से निश्चित रहता है उसे अगर जोखिम के द्वारा हानि भी होती है तो वह निश्चित रहता है कि उसको उसके पैसे का भुगतान किया जाएगा जबकि जुए में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है आपको कोई भी बीमित नहीं करता है आप अगर राशि हार चुके हैं तो आपको कोई भी योगदान नहीं करता है दूसरा प्रश्न जो किया जा सकता है वह यह है कि क्या बीमा एक दान है इसका उत्तर भी नहीं में है क्योंकि दान बिना प्रतिफल के दिया जाता है विदाउट किसी कंसिडरेशन के दिया जाता है एक व्यक्ति अगर दान दे रहा है तो वे दूसरे से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता है जबकि बीमा में प्रतिफल योगदान के रूप में दिया जाता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है यदि हम कुछ पैसा दे रहे हैं कंपनी में तो बदले में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एश्योरेंस की जो मैं श्योर किया जाता है तो बीमा एक प्रकार का व्यवसाय है क्योंकि प्रीमियम के आधार पर यह वित्तीय हानि के भुगतान की गारंटी देता है तो इन शब्दों से हम कह सकते हैं कि बीमा एक जुआ भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर हारने वाले व्यक्ति को कोई भी नुकसान की भरपाई नहीं करता है जबकि बीमा में आपको नुकसान की गारंटी रहती है बीमा एक चैरिटी भी नहीं है क्योंकि चैरिटी में दान नहीं है क्योंकि चैरिटी या दान के अंदर में एक व्यक्ति जो अपना दान करता है वह बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता है या बदले में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है लेकिन यहाँ पर आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित पैसा जमा करवा रहे हैं कुछ निश्चित घटनाओं के हो जाने पर आपको एक निश्चित पैसा मिल सके तो यह एक दान नहीं है ये आप प्रीमियम कर रहे हैं आप एक कंसिडरेशन अमाउंट दे रहे हैं कि आप बदले में कुछ अपेक्षा करते हैं एक परिवार के दृष्टिकोण के सोचने पर सभी जिंदगियों का एक आर्थिक मूल्य होता है जिसे किसी भी समय मृत्यु के क्रूर हाथों से छीना जा सकता है जीवन बीमा के अभाव में रोजी रोटी कमाने वाले को पैसा बचाना होता है जो केवल एक निश्चित अवधि में ही किया जा सकता है लेकिन मृत्यु किसी भी समय हो सकती है और परिवार असुरक्षित रहता है इसलिए मृत्यु में होने वाले नुकसान से बचने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी आवश्यक है बल्कि आपकी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए भी जनरल इंश्योरेंस काफी आवश्यक है चाहे वह आपकी गाड़ी है चाहे आपका कोई व्यवसाय है चाहे आपका उद्योग है किसी प्रकार की अग्नि घटना से किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना से किसी प्रकार की चोरी की दुर्घटना से बचने के लिए सामान्य बीमा भी आवश्यक है तो आप कह सकते हैं कि जब भी कोई संपत्ति का मालिक या उद्योगपति अपनी श्रमिकों का अपनी मशीनरी का भवन आदि का बीमा कराता है तो वह अपनी चिंता से मुक्त हो जाता है और अपने काम में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है अब उसका ध्यान किसी हानि की तरफ नहीं होता है क्योंकि वह उसकी भुगतान करने के लिए प्रीमियम देता है और उस उस प्रीमियम के बदले में जो बीमाकर्ता कंपनी है वह उस जोखिम को अपने ऊपर ले लेती है तो इस प्रकार औद्योगिक व्यक्ति जो है वह बिना किसी चिंता के अपने काम की ओर ध्यान देता है और आगे उसको बढ़ावे में आगे अग्रसर हो सकता है तो यह सभी बीमा की आठ प्रकार की नेचर हैं कि बीमा के द्वारा आप समाज में भी योगदान देते हैं बीमा के द्वारा आप व्यक्ति को चिंता मुक्त भी करते हैं बीमा के द्वारा आप स्वयं चिंता मुक्त हो सकते हैं क्योंकि एक कम प्रीमियम देकर भी आप अनिश्चित घटना को निश्चित होने के बाद में आप एक सुनिश्चित पैसा वसूल कर सकते हैं अब हम बीमा के फंक्शंस की बात करते हैं कि बीमा के कार्य क्या हैं, बीमा का काम क्या है वो कैसे कार्य करती है बीमा किस प्रकार से काम करती है बीमा के कार्यों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है पहला प्राथमिक कार्य इंश्योरेंस के प्राइमरी फंक्शंस दूसरा द्वितीयक कार्य यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस तीसरा अन्य कार्य यानी कि अदर फंक्शंस हम एक एक करके और इन सभी बीमा के फंक्शंस को बीमा के कार्यों को जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बीमा के प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं प्राथमिक कार्यों की पहला प्राथमिक कार्य जो बीमा का है वह है सुरक्षा प्रदान करना जैसा कि हम जानते हैं कि बीमा का प्राथमिक उद्देश्य भविष्य के जोखिम दुर्घटनाओं और अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करना है हानि का समय और हानि की राशि दोनों अनिश्चित हैं और किसी भी आकस्मिकता के घटित होने पर व्यक्ति को बीमा के अभाव में हानि उठानी पड़ सकती है किसी भी समय और कितनी भी अमाउंट की आपको हानि हो सकती है तो उस समय पर अगर बीमा नहीं है तो उस व्यक्ति को स्वयं व सारा का सारा नुकसान सहन करना होगा हम कह सकते हैं कि बीमा वास्तविक अर्थों में जोखिम को दूसरों के साथ बांटकर होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने वाला सुरक्षा क्वच है बीमा के द्वारा हम अपनी स्वयं की सुरक्षा करते हैं हमारा जो जोखिम है वह दूसरों के ऊपर बांट दिया जाता है यह बीमा का पहला प्राथमिक कार्य है दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी इंश्योरेंस पॉलिसी दूसरा प्राइमरी फंक्शन है निश्चितता सुनिश्चित करना बीमा एंश्योर्स सर्टेनिटी बीमा एक ऐसा उपकरण है एक ऐसा टूल है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बीमा एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने में मदद करता है किस प्रकार बीमा का मूल कार्य प्रीमियम के योगदानकर्ता को होने वाले नुकसान को इच्छुक सक्षम और सहमति देने वाले पेशेवर या पेशेवरों के कंधे पर आम निधि में स्थानांतरित करना है आप अपने रिस्क को आप अपने नुकसान होने वाले को अपने भविष्य में अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो उसको आप दूसरों के कंधे पर एक निश्चित अमाउंट देकर ट्रांसफर कर सकते हैं यानी कि आप इंश्योर्ड हैं तो आप इंश्योरर के ऊपर यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर में अपना नुकसान की भरपाई का जिम्मा डाल सकते हैं दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति को होने वाले विशिष्ट हानि को दूसरे व्यक्ति द्वारा सकारात्मक रूप से मान लिया जाता है कंपनी उन चीजों के लिए एग्री करती है क्योंकि अभी हमने पता किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट है बीमा जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वे अपने आप को आपसे बाउंड करते हैं कि वे आगे इस प्रकार से आपके किसी भी प्रकार के होने वाले नुकसान को सहन करेंगे तीसरा जो प्राइमरी फंक्शन है बीमा का वह है जोखिम का मूल्यांकन करना इट इवेल्युएट्स रिस्क अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के अप्रत्याशित जोखिमों का अनुमान लगाते हैं और इसलिए ऐसे जोखिमों से होने वाली हानि भी अप्रत्याशित होती है बीमा जोखिम को जन्म देने वाले विभिन्न कारकों का आंकलन करके जोखिम की संभावित मात्रा तय करता है बीमा आर्थिक हानि से रक्षा करता है और हानि को साझा करने का एक साधन है। जोखिम का प्रकार प्रीमियम दर सुनिश्चित करने का आधार है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें कैलकुलेट किया जाता है बीमा का प्राइमरी फंक्शन है कि आपके रिस्क को कैलकुलेट करना इवेलुएट करना आपकी एज को देखते हुए आपके व्यवसाय को देखते हुए आपके आपके इनकम को देखते हुए सभी प्रकार की जोखिमों का आंकलन करके बीमा एक निश्चित राशि स्पष्ट करता है कि इतनी निश्चित राशि देकर आप बीमा करवा सकते हैं और आपको बदले में इतने रुपए तक इतनी निश्चित अमाउंट तक के लिए आपको बीमित किया जा सकता है तो यह विभिन्न कारक हैं जो बीमा की संभावित मात्रा कि कितने इंश्योरेंस अमाउंट में आपको इंश्योर्ड किया जाएगा इन सब चीज़ों को तय किया जाता है तो बीमा का एक प्राइमरी जो फंक्शन है वह जोखिम का मूल्यांकन करना भी है कि आप कितने जोखिम में रहते हैं और आपका जो है वो कितना जोखिम वो कवर किया जा सकता है मौलिक जोखिम पूरी अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के भीतर बड़ी संख्या में लोगों या समूहों को प्रभावित करते हैं बुनियादी जोखिमों के उदाहरण हैं जैसे कि उच्च मुद्रास्फीति हाई इन्फ्लेशन बेरोजगारी युद्ध और भूकंप तूफान बवंडर और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका किसी को भी अंदाजा नहीं होता है विशेष जोखिम वे जोखिम है जो केवल व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं पूरे समुदाय को नहीं विशेष जोखिमों के उदाहरण में चोरी वाहन दुर्घटना घरों में आग लगाना इत्यादि हो सकता है तो विशेष जोखिम को कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है आपके फैक्टर्स को देखते हुए आपका जोखिम इंश्योर किया जा सकता है लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सामाजिक लेवल पर हैं जो कि पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर डालते हैं बाढ़ भूकंप युद्ध की स्थिति वगैरह उनका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल रहता है तो विशेष जोखिमों के साथ केवल व्यक्तियों को नुकसान का अनुभव होता है और शेष समुदाय अप्रभावित रह जाता है मौलिक और विशेष जोखिम के बीच अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक जोखिम का बीमा करने के लिए सरकारी सहायता आवश्यक हो जाती है विशेष जोखिम है उनका इंश्योरेंस बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है वाहन चोरी है कंपनी स्थिति में सहन कर सकती है लेकिन जब मौलिक जोखिम की बात आती है जिसका पूरी अर्थव्यवस्था पर समाज पर असर आ सकता है उसके लिए सरकारी सहायताओं की आवश्यकता पड़ती है हमारे देश में कुछ मूलभूत जोखिमों को पूरा करने के लिए सामाजिक बीमा सरकारी बीमा कार्यक्रम और सरकारी गारंटी और सब्सिडी का उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए बेरोजगारी का जोखिम आमतौर पर निजी बीमा कंपनियों द्वारा बीमा योग्य नहीं है लेकिन संघीय या राज्य एजेंसियां यूनियन या जो स्टेट एजेंसीज हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से बीमा किया जाता है सरकार आपके बाढ़ के या भूकंप या अन्य त्रासदियों का जो नुकसान है वे सहन करने की स्थिति में है इसके अलावा बाढ़ बीमा केवल संघीय सरकार के माध्यम से उपलब्ध है या उस पर सब्सिडी दी जाती है चौथे प्रकार का जो प्राइमरी फंक्शन है वह सामूहिक जोखिम साझाकरण कलेक्टिव रिस्क शेयरिंग तो बीमा वित्तीय हानि को साझा करने का एक उपकरण है या कुछ लोगों के नुकसान को बांटने का एक माध्यम है हानि के जोखिम को टाला नहीं जा सकता लेकिन हानि के द्वारा सहमत व्यक्तियों के बीच में उस हानि के नुकसान को वितरित किया जा सकता है और जब किसी को नुकसान होता है तो ऐसी सामान्य निधि से उसकी भरपाई की जा सकती है 1921 में फ्रैंक नाइट ने जोखिम और के बीच के अंतर को संक्षेप में प्रस्तुत किया था बीमा के जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, द्वितीय कार्य हैं, उनमें से पहला है हानि को रोकना टू प्रिवेंट द बीमा व्यक्तियों और व्यापारियों को स्वचालित स्पार्कलर या अलार्म सिस्टम आदि स्थापित करने के लिए कहकर सुरक्षा निर्देशों का पालन करके जोखिम के दुर्भाग्यपूर्ण परिमाणों को रोकने के लिए उचित उपकरण अपनाने की चेतावनी देता है तो इस प्रकार से जो कंपनीज जो औद्योगिक घराने कुछ सुरक्षा उपकरण नहीं लगाते हैं बीमा कंपनी उनको उन उपकरणों को स्थापित करने के लिए या उन उपायों को अपनाने के लिए कहती है इसका मूल उद्देश्य नुकसान से बचाना है दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है पूंजी प्रोवाइड करना इट प्रोवाइड्स कैपिटल जैसा कि हमने बात की कि बीमा के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है प्रीमियम के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वह विभिन्न औद्योगिक घरानों को दिया जाता है और इस तरीके से उन औद्योगिक घरानों को कैपिटल मिलती है उनको एक पूंजी मिलती है जिसके द्वारा वो अपने आगे के फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो हैं उनको आगे पूरा करते हुए अपने काम को बढ़ा सकते हैं तीसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है बीमा का वो है कार्य कुशलता में सुधार लाना यानी कि इंश्योरेंस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। बड़े और छोटे औद्योगिक घरानों या अन्य प्रतिष्ठानों में अपने कर्मचारियों को मशीनरी को भवन को और रॉ मटेरियल्स को उनका बीमा करवाया जाता है इससे जो औद्योगिक घराने हैं वे निश्चिंत महसूस करते हैं चौथा जो सेकेंडरी फंक्शन है वह है समाज का कल्याण सुनिश्चित करना इट इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी यह सब हम जानते हैं कि बीमा व्यवसायिक समृद्धि में मदद करता है संसाधन जुटाने में मदद करता है और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यह विकास को गति देता है और स्थिर करता है इसलिए समाज का कल्याण सुनिश्चित करता है बीमा के अन्य फंक्शंस की अगर हम बात करें अन्य कार्यों की अगर हम बात करें तो पहला अदर फंक्शंस में हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस इज एन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टूल, बचत और निवेश का उपकरण है बीमा व्यक्ति के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है और इसलिए इसे बचत और निवेश का सबसे अच्छा विकल्प माना जा सकता है इसके साथ ही आप इंश्योरेंस या अन्य प्रकार के आ, या इनकम टैक्स वगैरह में आप अपना छूट पा सकते हैं इट इज़ ए मीडियम टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज इसके द्वारा हम विदेशी मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं इसके द्वारा हम जोखिम मुक्त व्यापार कर सकते हैं रिस्क फ्री ट्रेड करते हैं अप्रत्याशित हानि या आपदा की स्थिति में बीमा क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति प्रदान करता है तो इन सारी बीमा के बारे में डिस्कशन करके उसके अर्थ को जानते हुए उसके कार्यों को समझते हुए उसके विभिन्न प्रकार के प्रकृति को समझते हुए हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि बीमारी दुर्घटनाओं और यहाँ तक कि मृत्यु जैसी आपात स्थितियाँ भी दरवाजे पर दस्तक नहीं देती इसके बजाय वे तेज़ी से और बिना किसी चेतावनी के हमला करती हैं इस स्थिति में बीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इनमें से कोई भी प्रतिकूल घटना घटित होने की स्थिति में आपको और आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बीमा खरीदने से आपको यह आश्वासन मिलता है कि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में बीमा प्रदाता इंश्योरर आपकी जेब पर असर डाले बिना आपको नुकसान को कम कर देगा तीसरा निष्कर्ष ये हो सकता है कि जोखिम को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन हानि को किया जा सकता है किसी व्यक्ति को अनिश्चित हानि से बचाने की यह इच्छा ही बीमा व्यवसाय को अस्तित्व में लाती है हम कह सकते हैं कि बीमा एक आश्वासन है कि यदि कोई विशेष प्रकार की घटना घटित होती है तो बीमा बीमित व्यक्ति को एक निश्चित राशि भुगतान के रूप में की जाएगी जो इस तरह के जोखिम के खिलाफ ऐसी सुरक्षा चाहता है उसे बीमी व्यक्ति या बीमा धारक कहा जा सकता है और जो ऐसी हानि से बचाने के लिए गारंटी देता है उसे इंश्योरर या आश्वासनकर्ता कहा जा सकता है और इस हानि से बचने के बदले में हम जो पैसा देते हैं उसे प्रीमियम कहा जा सकता है और उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी कह सकते हैं बीमा की परिभाषाएं दो प्रकार की होती हैं कार्यात्मक और संविदात्मक परिभाषाएं जिन्हें अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है परिवादिक परिभाषाएं आर्थिक या व्यवसायिक अभिविन्यास पर आधारित हैं संविदात्मक परिभाषाओं को भविष्य में कुछ आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए एक अनुबंध के रूप में जाना जाता है बीमा की प्रकृति हमने देखा है अभी कि किस प्रकार निर्धारित की जाती है जोखिम का मूल्यांकन करती है एक सामाजिक तंत्र है और एक निश्चित राशि का भुगतान करती है और बीमा के कार्यों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है प्राथमिक कार्य द्वितीयक और अन्य कार्य प्राथमिक कार्य सुरक्षा प्रदान करते हैं द्वितीय कार्य हानि को रोकते हैं पूंजी प्रदान करते हैं कार्य कुशलता में सुधार लाते हैं और अन्य कारणों में हम विदेशी मुद्रा को अर्जित करते हैं बचत और निवेश विकल्प भी है और मुक्त व्यापार भी कर सकते हैं तो इस प्रकार बीमा को समझा जा सकता है उसके कार्यों को समझा जा सकता है और उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है उपरोक्त चर्चा से स्थापित होती है कि बीमा धारक और बीमाकर्ता के बीच एक कानूनी अनुबंध है जिसके तहत बीमा धारक बीमाकर्ता को असामिक स्थिति में एक पूर्व निर्धारित धनराशि भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं और इसे ही बीमा कहा जाता है उम्मीद है आपको बीमा के अर्थ के बारे में उसकी प्रकृति और उसके कार्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier now this piece of criticism is particularly damaging because it is true none of shakespeare's plays contain any original story whatsoever they are all written using pre-existing materials pre-existing stories now does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.